News 18, India. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 14 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर सोनिया गांधी का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। यहां उन्होंने पार्टी के विधायकों से मुलाकात की और फिर अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के लिए 40 प्रस्तावक बनाए गए थे, जहां से कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, वहां से अब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बनेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हुए। सोनिया गांधी के नॉमिनेशन पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने खुशी जाहिर की है और सोनिया गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। I will miss her. She's one of the most finest and dignified members we have worked with. She carries herself extraordinarily well with class and dignity. She's always spoken in parliament. Her attendance, her presence has been amazing. She's one of the senior leaders in India who was always in parliament. She's always very, very punctual. She's there for all important debates. So we will definitely miss her and I will personally miss her because I sit right behind her. So I've had the privilege and the honor of working with Sonia ji for many years. I wish her all the good luck in the world and the best health and I will definitely miss her in Lok Sabha.